चुनाव की तारीखों की ऐलान होने के बाद जो है आचार संहिता लागू कर दी गई है और ऐसे में जौनपुर में जो है और जगह जगह राजनीतिक पार्टी को पोस्टर को हटाया जा रहा है। सर किस तरह से तैयारी चल रही है? हमारी सभी टीमें तैयार हैं, MCC का वायलेशन ना हो और MCC के कंप्लायंस के लिए अगले 72 घंटे के अंदर हम लोग जहाँ भी इस तरह से पोस्टर बैनर लगे हुए हैं उन सबको हटवा दिया जाएगा। और जो है चुनाव की जो है बिगुल बज चुकी है, ऐसे में क्या निर्देश रहेगा? कोई भी राजनीतिक दल MCC पार्टी का उल्लंघन न करें, सभी लोग MCC का पालन करें बस। और इलेक्शन कमीशन का एक आदेश आया है और फेक न्यूज़ या सोशल मीडिया पर भ्रमिक खबर ना फैलाया जाए। हाँ, इसके लिए जिला स्तर पर टीम बनी हुई है जो कि इस तरह की न्यूज़ पे वॉच रखेगी और जो भी करने वाले होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और बिल्कुल जो है जौनपुर और मछलीशहर में जो छठवां चरण यानी जो है 25 मई को मतदान होना है और उसी को लेकर जो है जौनपुर में जो है तैयारियां शुरू हो चुकी है। जौनपुर से विवेक कुमार। चुनाव की तारीखों की ऐलान होने के बाद आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया है। वहीं जौनपुर में आचार संहिता का पालन कराने के लिए SDM, CO व नगरपालिका के कर्मचारी के साथ नगर में लगे सभी राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर बैनर को हटाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं उप जिलाधिकारी ने नारायण न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि 72 घंटे के अंदर सभी पार्टियों के पोस्टर बैनर को उतरवा दिया जाएगा और सभी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग द्वारा दिए गए गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया गया है। आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को नारायण न्यूज पर। लोकतंत्र महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि आचार संहिता लगने के बाद जो है जौनपुर में जिला प्रशासन जो है राजनीतिक पार्टियों की पोस्टर बैनर को हटा रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उप जिलाधिकारी सागंज और जो है क्षेत्राधिकारी सागंज जो है नगर में निकले हैं और लगातार जो है नगर में लगे जो है राजनीतिक पोस्टरों और बैनरों को हटाया जा रहा है। जौनपुर में जो है छठवां चरण यानी 25 मई को मतदान होना है, मतदान को लेकर जो है कहा जाए आज जो है आचार संहिता लागू हो गई है और इलेक्शन कमीशन ने जो है जैसे ही प्रेस वार्ता किया उसके बाद जो है कहा जाए आचार संहिता लागू होने के बाद जो है जिला प्रशासन एक्टिव हो चुका है। वहीं जौनपुर और मछलीशहर में जो है 25 मई को जो है मतदान होना, ऐसे में जो है जिला प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया। कहाँ गया ना, उसको मिला।